बिलासपुर जिले के स्कूली कर्मी लंबे समय से अपने वेतन के लिए सरकार की ठोकर काट रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने इन सफाई कर्मियों से वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर उनका वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार सफाई कर्मियों से किए गए वादे भूल गई। जिसे याद दिलाने के लिए सफाई कर्मी सड़कों पर आ गए हैं। सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष संतोष खांडे ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 30 तारीख तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उनका आंदोलन सरकार के विरुद्ध लगातार जारी रहेगा। इन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन मात्र 1500 रुपए है, जिससे परिवार नहीं चलता, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए आंदोलन करना उनकी मजबूरी बन गई है। देवकीनंदन चौक में यहाँ से रैली निकलेगा और माननीय कलेक्टर जिला बिलासपुर को ज्ञापन सौंपेंगे और 30 तारीख तक से हम अनुरोध करते हैं कि सभी जिलों में पूर्णकालीन नियमितीकरण किया जाए। सफाई कर्मचारी को कम से कम 10,000 जो वेतन मान है वो लागू किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो 12 से 19 जुलाई को बहुत बड़ा विधानसभा सत्र चलेगा उसमें जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।